हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज के सेशन में हम लोग इंट्रोडक्शन टू ई गवर्नेंस के यूनिट 1 के जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हो सकते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यूनिट 1 में जो हम लोग को पढ़ना था उसका हेडिंग था एक्सपोजर टू इमर्जिंग ट्रेंड्स इन आईसीटी फॉर डेवलपमेंट। और इसी यूनिट से जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम लोग डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा जा रहा है द मीनिंग ऑफ ई इन ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस में ई का क्या मीनिंग होता है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, यहाँ पे ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइज ऑफ ई गवर्नेंस इज ड्यू टू, यानी कि जो ई गवर्नेंस है उसका राइज हो रहा है किस कारण से? इंक्रीज इन सिटीजन्स एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, यानी कि जो सिटीजन्स हैं उनका जो उम्मीद है वो बढ़ते जा रहा है गवर्नमेंट से। सेकेंड है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ गवर्नेंस, यानी कि जो गवर्नेंस का जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिमूव हो रहा है। थर्ड है डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि इन्फॉर्मेशन को क्लोज करके रख रहा है गवर्नमेंट, दूसरों को नहीं बता रहा उसके लिए, या बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, जिसका आंसर ए एंड बी दोनों, यानी कि जो गवर्नमेंट के साथ एक्सपेक्टेशंस है, उम्मीद है सिटीजन्स का, वो भी बढ़ रहा है। यहाँ पे ए भी करेक्ट है। और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ गवर्नेंस, यानी कि गवर्नेंस कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, गवर्नमेंट का जो है ना घट रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री। ई गवर्नेंस इज फॉर सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट, यानी कि ई गवर्नेंस क्या है सिटीजन एंड गवर्नमेंट के लिए? क्या चैलेंज है, क्या पर्पसलेस है, कॉम्प्लेक्स वर्ब है या प्रॉफिटेबल है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपको हो जाएगा डी। जो ई गवर्नेंस है वो सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट दोनों के लिए क्या है, प्रॉफिटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर। इन विच डिकेड डिड ई गवर्नेंस ओरिजिनेट इन इंडिया, यानी कि किस डिकेड में, किस दशक में ई गवर्नेंस इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था? यहाँ पे कह जा रहा कि 1966 में, या 1968 में, या 1969 में, या 1970 में। तो 1970 के दशक में जो ई गवर्नेंस है इंडिया में ओरिजिनेट होना शुरू हो गया था। क्वेश्चन नंबर फाइव है सी टू सी इन ई गवर्नेंस इज रिलेटेड टू, यानी कि सी टू सी किस से रिलेटेड है ई गवर्नेंस में? क्या सिटीजन्स टू सिटीजन, बिजनेस टू सिटीजन, सिटीजन टू इम्प्लाई या सिटीजन टू गवर्नमेंट? तो यहाँ पे दोनों तरफ क्या है, सी है, और सी का मतलब यहाँ पर हो गया ई गवर्नेंस में सिटीजन। तो यहाँ पर जगह सिटीजन टू सिटीजन, तो यहाँ पर राइट आंसर ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स है जी टू ई इन ई गवर्नेंस इज रिलेटेड टू, यानी कि जी टू ई गवर्नेंस में रिलेटेड है। क्या गवर्नमेंट टू सिटीजन से, बिजनेस विथ गवर्नमेंट से, या इम्प्लाई फ्रॉम गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट? तो यहाँ पे जी है, जी मीन्स क्या हो गया यहाँ पे गवर्नमेंट, और ई मीन्स क्या हो गया इम्प्लाई। तो गवर्नमेंट टू इम्प्लाई आप कह सकते हैं, या फिर इम्प्लाई फ्रॉम गवर्नमेंट कह सकते हैं। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन है वेन वॉज द एन आई सी नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर एस्टैब्लिश, एन आई सी कब डेवलप हुआ था? क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग ई गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, ई गवर्नेंस में महत्वपूर्ण योगदान है एन आई सी का। तो एन आई सी का पूछा जा रहा है कि कब इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है 1965, 1968, 1971 या 1977। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 1977 में एन आई सी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। क्वेश्चन नंबर एट है द यूज ऑफ आई टी टू इम्प्रूव द एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट का एबिलिटी को बढ़ाने के लिए आईटी को यूज किया जा रहा है। टू एड्रेस द नीड ऑफ सोसाइटी इज नोन एज, यानी कि सोसाइटी को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट के एबिलिटी को इम्प्रूव किया जा रहा है आईटी का यूज करके। तो उसे क्या कहेंगे, क्या ई बिजनेस कहेंगे, ई एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे, ई गवर्नेंस कहेंगे, या फिर ई मार्केटिंग कहेंगे? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, ई गवर्नेंस, यानी कि ई गवर्नेंस ही है जहाँ पर सिटीजन्स को या सोसाइटी को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट की एबिलिटी को इम्प्रूव किया जा रहा है, और उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान है आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन है विच डिस्क्रिप्शन इज अप्रोप्रिएट अमॉन्ग द फ्लोइंग ई गवर्नेंस, यानी कि ई गवर्नेंस के लिए इनमें से कौन सा डिस्क्रिप्शन है जो अप्रोप्रिएट है? ऑप्शन ए में है टू एंगेज एनेबल एंड इम्पावर द सिटीजन, टू
टू प्रोवाइड फेयर एंड अनबायस टू द सिटीजन, टू इम्प्रूव टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस, या टू इंश्योर पीपुल्स फेथ इन ई कॉमर्स एप्लीकेशन। यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा, टू एंगेज इनेबल एंड एम्पावर द सिटीजन्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ई गवर्नेंस सर्विस प्रोवाइड्स ए सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म फॉर सिटीजन्स टू एक्सेस एंड अप्लाई फॉर वेरियस गवर्नमेंट सर्विसेज। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ई गवर्नेंस सर्विस यानी कि कौन सा वैसा ई गवर्नेंस सर्विस है जो सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म एक प्रोवाइड कर रहा है सिटीजन्स के लिए, जहाँ पर सिटीजन जो है ना एक्सेस कर सकता है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उसको जो है ना एक ही जगह पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे जाकर के जो है ना अप्लाई कर सकता है, उसके लिए कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट है। तो ऑप्शन ए में है ई हॉस्पिटल्स, बी में है पासपोर्ट सेवा, सी में है रेलवे रिजर्वेशन, और डी में है कॉमन सर्विस सेंटर। यहाँ पे ई हॉस्पिटल है जहाँ पे हॉस्पिटल से संबंधित जो है ना अप्लाई कर सकते हैं, पासपोर्ट सेवा है जहाँ पे पासपोर्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, रेलवे रिजर्वेशन में आप रेलवे का रिजर्वेशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो CSC है कॉमन सर्विस सेंटर, यहाँ पे जो गवर्नमेंट के वेरियस सर्विसेज होते हैं उसको आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, वेन वाज CSC एस्टेब्लिश, यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर है उसको कब एस्टेब्लिश किया गया था, 2007 में, 2009 में, 2011 में, या फिर 2019 में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 2009 में CSC कॉमन सर्विस सेंटर को एस्टेब्लिश किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस कैन बी एक्सेस थ्रू उमंग ऐप, यानी कि उमंग ऐप के द्वारा कौन से सर्विस को एक्सेस किया सकता है। ऑप्शन में है बुकिंग ट्रेन टिकट्स, फिलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, या अप्लाइंग फॉर पासपोर्ट, या ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि उमंग ऐप के थ्रू आप ट्रेन का टिकट भी बुक कर सकते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं, और पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि विच ई गवर्नेंस सर्विस इनेबल्स इंडिविजुअल्स टू अप्लाई फॉर ए डुप्लीकेट और री इशू ऑफ देयर लॉस्ट और डैमेज पासपोर्ट। अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन है उसका जो पासपोर्ट है वो डुप्लीकेट इशू करवाना है या री इशू करवाना है, तो उसके लिए आप किस पोर्टल पे कहाँ पर जाकर जो है ना उसको अप्लाई करेंगे, क्या ई हॉस्पिटल्स पे, पासपोर्ट सेवा पे, रेलवे रिजर्वेशन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्योंकि हमको पासपोर्ट वाला काम करना है तो कहाँ पे जाएंगे, पासपोर्ट सेवा पे। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, फर्स्ट साइबर लॉ विच प्रोवाइड्स द लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ई कॉमर्स इन इंडिया, यानी कि पहला वह साइबर लॉ कौन है जो इंडिया में ई कॉमर्स के लिए जो है एक लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, जिसमें ऑप्शन दिया जा रहा है द IT Act 1996, IT Act 2000, IT Act 1998, और IT Act 1990। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि IT Act 2000 है जो पहला इंडिया का ई कॉमर्स के लिए लीगल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया, जो पहला साइबर लॉ है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन IT Act 2000 विच सेक्शन डील्स विद द पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म। कहा जा रहा है कि जो IT Act 2000 एस्टेब्लिश हुआ इसमें कौन सा सेक्शन है जो साइबर टेररिज्म के लिए पनिशमेंट का डीलिंग करता है। ऑप्शन में है 66A, 66B, 66F और 45F। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, 66F है, और यही सेक्शन है जो साइबर टेररिज्म के लिए पनिशमेंट का वहाँ पे डीलिंग करता है IT Act 2000 में। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स ऑफ MHRD डील्स विद ई गवर्नेंस फॉर इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी। कहा जा रहा है कि MHRD के द्वारा कौन सा ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है जो ई गवर्नेंस को डील्स करता है किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन के लिए। तो इसके लिए ऑप्शन दिया गया है समर्थ, विद्वान, या IRINS, या स्वयं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, समर्थ जो है ना पोर्टल है जो MHRD के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है और ई गवर्नेंस को ये डील करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, फिल इन द ब्लैंक्स प्रोवाइड्स नेटवर्क बैकबोन एंड ई गवर्नेंस सपोर्ट टू गवर्नमेंट बॉडीज इन इंडिया, यानी कि इंडिया में गवर्नमेंट बॉडीज के लिए जो नेटवर्क बैकबोन की तरह काम कर रहा है और ई गवर्नेंस को सपोर्ट कर रहा है वो कौन है, क्या NIC है, NASSCOM है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ई गवर्नेंस के लिए बैकबोन का काम कर रहा है कौन, NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 18 है,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पिलर्स ऑफ ई गवर्नेंस, कहा जा रहा है कि इनमें से कौन ई गवर्नेंस का पिलर्स है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है पीपुल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेस एंड ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे जो ई गवर्नेंस है उसके पिलर्स हैं पीपल्स हैं, प्रोसेस हैं, टेक्नोलॉजी हैं एंड रिसोर्सेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मैनी पिलर्स आर देयर इन ई गवर्नेंस, यानी कि ई गवर्नेंस में कितने पिलर्स हैं। तो अभी हम लोग देखें कि पीपल एक है, पहला हो गया, प्रोसेस हो गया, दूसरा टेक्नोलॉजी हो गया, तीसरा और रिसोर्स हो गया, चौथा, यानी कि फोर पिलर्स हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा आपका डी, फोर पिलर्स हैं आपको ई गवर्नेंस का। क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर इन स्मार्ट गवर्नेंस। स्मार्ट गवर्नेंस को हम लोग डिटेल्स में डिस्कस भी किया है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्मार्ट गवर्नेंस में आपका यहाँ पे जो आर है इसका क्या मीनिंग है। तो स्मार्ट में आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है रिस्पॉन्सिव, रूरल, रेस्पेक्टिव और रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे स्मार्ट का फुल फॉर्म दिया गया है सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंट। यहाँ पे आर का मतलब क्या हो गया, रिस्पॉन्सिव। यहाँ पे आप ऑप्शन में देखेंगे तो राइट आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पे टॉप 20 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए जो ई गवर्नेंस के यूनिट 1 से संबंधित है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग जितने भी यूनिट आगे डिस्कस करेंगे सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते चलेंगे, जिससे हम लोग को आइडिया मिल जाएगा कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और हम वो उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहेंगे।